गुड आफ्टरनून एवरीवन, टेक्स अवतार में आपका स्वागत है। मैं अभय गुप्ता आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपको बिजनेस मॉडल कैसे स्टार्ट करना चाहिए। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है, या जितने भी आजकल नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सा मॉडल चूज करें, कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करा जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, LLP और पब्लिक लिमिटेड। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता कि इसमें हम कौन सा मॉडल चूज करें और हमारे लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट करेगा मॉडल। तो आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं थोड़ा डिटेल में, कि किस मॉडल को चूज करा जाए और कैसे चूज करा जाए। एक प्रोप्राइटरशिप मॉडल है, एक पार्टनरशिप मॉडल है, एक LLP मॉडल है और एक प्राइवेट लिमिटेड मॉडल है। ये चार मॉडल्स में इंडिया में काम होता है और इस चारों पे ही बिजनेस रन होता है। प्रोप्राइटरशिप मॉडल में हमारे पास जो पर्सन होता है वो एक ही होता है, एक ही पर्सन कंपनी खोल सकता है और वो रन कर सकता है। पार्टनरशिप, LLP और प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम दो लोग चाहिए इनको खोलने के लिए, जिसमें से अगर आप प्रोप्राइटर मॉडल ऑप्ट करते हैं तो बहुत ईजी है, उसमें कंप्लायंसेस कम होती है एज कंप्यूटर अदर मॉडल्स, उसमें टैक्सेशन भी थोड़ा कम होता है एज कंप्यूटर अदर मॉडल्स। अगर आप और तीनों मॉडल में जाते हैं तो पहले हम लेते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो टैक्स परसेंटेज होता है वो 20-30% तक फिक्स है, सेम ही LLP में है और सेम ही प्राइवेट लिमिटेड में है। अब अगर हम दोबारा से आते हैं कंप्लायंस के ऊपर, तो कंप्लायंस वेरिएशन बढ़ता जाता है पार्टनरशिप में प्रोप्रेटरशिप से ज्यादा होगा, LLP में कंप्लायंस पार्टनरशिप से ज्यादा होगा और प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लायंस आपका प्राइवेट LLP से और ज्यादा होगा। तो आप अपना चूज करें कि आपको कौन सा मॉडल चूज करना है ताकि आप अपनी कॉस्ट बियर कर सके। बहुत एंटरप्रेन्योर्स को या नए स्टार्टअप्स को ये बिल्कुल नहीं पता होता, वो गूगल पढ़ते हैं या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और कंपनीज ओपन कर लेते हैं। एक साल बाद चाहे आपने कोई भी मॉडल लिया हो, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, GST रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी हो जाती है। हालांकि GST रिटर्न क्वार्टरली और मंथली जाती है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा मॉडल चूज करा है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप अपना मॉडल चूज करें, उसको ध्यान से देखें और स्टडी करने के बाद ये अपनी कंपनी ओपन करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। और अगर आप ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा टेक्स अवतार का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और वहां पे देखें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।